हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ भरमा शिमला मिर्च। इसके लिए मैंने 4 शिमला मिर्च ली हैं। इनके सारे बीज निकाल के इनको साफ कर लिया है। उबले हुए आलू लिए हैं, पनीर लिया है, प्याज लिया है बारीक कटा हुआ, मटर के दाने लिए हैं उबले हुए, हरी मिर्ची ली है बारीक कटी हुई, और ये मसाले लिए हैं हल्दी, ज़ीरा, आमचूर पाउडर, गरम मसाला, हींग, देगी मिर्च, और ये सरसों का तेल लिया है। ये जो मैं शिमला मिर्च बनाने जा रही हूँ, इसका कलर सेम वैसा ही जैसा ये है वैसा ही रहेगा। इसके लिए मैं क्या करूँगी, ये मैं इनको ग्रीस करके माइक्रोवेव में 10 मिनट के लिए शिमला मिर्च को पकाऊंगी। अब मैं इन शिमला मिर्च को माइक्रोवेव में रखूंगी 10 मिनट के लिए। देखिए शिमला मिर्च पक चुकी है और उसका कलर भी सेम वैसा का वैसा ग्रीन कलर है। एक बड़ा चम्मच ऑयल लिया है अपना स्टफिंग के लिए। तड़का बनाने जा रही हूँ। ऑयल गर्म हो गया है, अब मैं जीरा डालती हूँ। हींग डालती हूँ छोटा आधा चम्मच। और कटा हुआ बारीक प्याज, अब मैं इसमें मैश करे हुए आलू डालूंगी। अब मैं इसमें मसाले डालूंगी, आधा चम्मच हल्दी, चौथाई चम्मच आमचूर, आधा चम्मच गरम मसाला, चौथाई चम्मच देगी मिर्च, और ये 2 हरी कटी हुई मिर्च। मिक्स कर लेंगे। अब मैं उबले हुए हरे मटर डालूंगी और ये पनीर डालूंगी। अब स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। ये स्टफिंग रेडी हो गई है, अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। जब ये स्टफिंग ठंडी हो जाएगी तो इसको मैं शिमला मिर्च में भर दूंगी।
लिए स्टफिंग भी थोड़ी सी ठंडी हो गई है। अब मैं चम्मच की हेल्प से स्टफिंग शिमला मिर्च में भरूंगी। लीजिए तैयार है भरमा शिमला मिर्च, गर्मा गर्म सर्व करिए, चपाती के साथ खाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।